का उल्लंघन कर रहा है। 24 घंटे में दूसरी बार सीमा पार से फायरिंग हुई है। लगातार कई दिनों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कल की घटनाएं जब एक इलाके में बीएसएफ के जवानों पर निशाना साधा गया, उन पर गोलीबारी की गई जिसमें दो बीएसएफ के जवान शहीद हो गए और कुछ लोग जख्मी हुए, और आज फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है सीमा पार से। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल से। अजय, किस इलाके की घटना है और अभी क्या हालात हैं? देखिए, आपको बता दूं कि ये दूसरा सीजफायर वायलेशन है जो पिछले 12 घंटे के दरमियान पाकिस्तान ने किया है, और जो अभी खबर मिली है हमीरपुर सेक्टर जो पड़ता है पुंछ का, बालाकोट सेक्टर के बिल्कुल बीच का इलाका पड़ता है, वहां पर पाकिस्तान की सेना की तरफ से एक बार फिर से जो है गोलीबारी शुरू की गई है, और ये खासतौर पर जो आर्मी की पोस्टें हैं वहां पर उनको निशाना बनाया जा रहा है। सीमा पर लगातार इस तरह के इनपुट्स आ रहे थे कि पाकिस्तान जो है फायरिंग कर सकता है और फायरिंग की आड़ में कहीं ना कहीं घुसपैठ करवाना उसकी नीति रहती है। उसी के चलते जो है इंडियन आर्मी भी जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और पाकिस्तान की जवाबी फायरिंग का जो है जवाबी कार्रवाई कर रही है। इससे पहले सुबह लगभग 2 बजे जो है, आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया सेक्टर में भी बीएसएफ की पोस्टों को निशाना बनाया गया पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा, और लगभग 5 घंटे सुबह जो है फायरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर पे चली, और ये जो पुंछ की फायरिंग है आपको बता दूं कि अभी भी ये जारी है। लगभग 8:45 बजे ये फायरिंग शुरू हुई थी और अभी तक ये फायरिंग जारी है, और आर्मी का कहना है कि हाँ वो पूरी तरीके से जो है फायरिंग का जवाब दे रही है। तो पूरी तरीके से हमारे जो जवान हैं वो इस फायरिंग का जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये काबिले गौर है कि पिछले 12 घंटे में ये दूसरी सीज फायर की घटना है जो पाकिस्तान